हम लगातार चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से इस बार वाकई में लोकसभा में इस बिल को यानी कि महिला आरक्षण बिल को पेश किया जा सकेगा या नहीं, और ये 1 लाख टके का सवाल है। रविशंकर जी, आप वाकई में कहते हैं कि आप इस बिल को समर्थन पूरी तरीके से देना चाहते हैं, क्या आप कांग्रेस पार्टी से आगे बढ़कर बात करना चाहेंगे कि इस सत्र में आप बिल लेकर आइए, हम समर्थन देते हैं? देखिए, पहली बात जान लीजिए कि हम बिल का समर्थन करना चाहते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है, हमने आज समर्थन किया है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में, उसका काम है बिल को लाना, हम पूरा समर्थन करने के लिए बैठे हुए हैं। हम समाजवादी पार्टी नहीं है जो 6 मई 2008 को हंसराज भारद्वाज जब बिल इंड्यूस करते हैं तो उसको फाड़ते हैं और 2 महीने बाद न्यूक्लियर डील पर कांग्रेस का समर्थन करते हैं। अगर महंगाई का मामला है, हम कांग्रेस का पूरा विरोध करेंगे। डीजल पेट्रोल की महंगाई की बात है, आम आदमी के परेशानी की बात है, हमारा कांग्रेस के साथ प्रामाणिक विरोध चलेगा और चलता रहेगा। एक बार रविशंकर, नियत बहुत साफ है कि हम पूरा समर्थन करेंगे। रविशंकर जी, आप बिहार में इसको पास करा लेंगे जल्दी से, क्योंकि आपकी सरकार है वहां पर? देखिए प्रभु जी, आप देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, मैं बिहार का हूं, बिहार को आप मुझसे कम नहीं जानते। आप नीतीश कुमार ने ओपनली इसका समर्थन किया है और आज जदयू के 5 सांसदों ने राज्यसभा में पूरा समर्थन किया है। जब बिहार में वक्त आएगा तो आप देखेंगे पास होगा। नहीं, 5 ने किया ना, मतलब सवाल ये है कि वहां पर नीतीश कुमार ने कहा है और लोकसभा में वो लोग बैकआउट कर रहे हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आप जब समय आएगा पास होगा, परंतु आपको पूरा भरोसा है कि आप पास करा लेंगे बिहार में अभी डिसॉल्व होने से पहले, उसके बाद सरकार किसकी आएगी पता नहीं। हम तो दो चीजें कहनी है, ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि कांग्रेस पार्टी, जो मैंने पहले कहा, कैसा रोड मैप तैयार करती है, कैसा कंसल्टेशन करती है, इस पूरे मामले को किस प्रकार से ले जाती है। चलिए रविशंकर जी, आपने जो अहम बात उठाई है उसका एक छोटा सा जवाब मनीष जी से ले लेते हैं। मनीष जी, क्या आप आज तक पर यह बता सकते हैं कि इस सत्र के भीतर कम से कम आपकी कोशिश भर होगी कि लोकसभा में इस बिल को पेश किया जाए, पास कराया जाए, पेश नहीं किया जाए? पास अगर पेश कर दें तो पास करा, पेश तो कर दें, कम से उसकी तिथि तो तय कर दें। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं और दोबारा दोहरा रहा हूं कि हमारी मंशा पे, हमारी नीति और नियत के ऊपर जो भी प्रश्न चिन्ह कल लगाए गए थे, आज हमने उनको सिरे से खारिज कर दिया है। ये फैसला कांग्रेस के फ्लोर मैनेजर्स को करना है और बिल्कुल उचित नहीं होगा कि आज मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी करूं। पर हाँ, ये आपको भरोसा चाहते, आपको आश्वासन नहीं देना चाहते कि जब भी क्या कहते हैं लोकसभा का चुनाव होगा, उस लोकसभा के चुनाव में 33% औरतों को के लिए आरक्षण होगा। चलिए, धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त जरा कम है इसलिए आप सबों से पूरी तरह से बात नहीं हो पाई। कमाल जी, आपका भी धन्यवाद इस चर्चा में, आप भी शामिल हुए। प्रभु, आपका भी धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर बात यहां पर यह है कि कांग्रेस अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि कुछ सवाल यह है कि पॉलिटिकल राजनीति जो नेता हैं वो अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा पाते, औरतों को आरक्षण नहीं दे सकते, मुस्लिम को आरक्षण नहीं दे सकते, वो सरकार का डंडा लेकर के आरक्षण देना चाहते हैं, सीधी बात यह है। चलिए, प्रभु की टिप्पणी यह है और दूसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं सरकार की नीति पर सवालिया निशान जरूर है और नियति पर भी। दस्तक में आज बस इतना ही, धन्यवाद।